हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ दम का मटन। इसमें क्या क्या डलते हैं इंग्रेडिएंट्स मैं वो बताती हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मैंने ये 1/2 kg मटन लिया है, 1 teaspoon नमक लिया है मैंने, ये 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर लिया है, ये 2 tablespoon अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, और ये 1 teaspoon काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर लिया है, और ये ज़ीरा धनिया का पाउडर है 1 teaspoon, और ये लाल मिर्च पाउडर है 1 teaspoon, और ये मटन मसाला है 1 teaspoon। मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है, 2 medium size के प्याज लेकर फ्राई किया है, और मैंने ये 1 नींबू का रस लिया है, और ये घी लिया है 2 tablespoon, और 2 tablespoon दही ली है, और हम इसमें ये ग्राइंड करेंगे। काजू लिए हैं मैं 4 से 5, और बादाम ली हूँ, और ये 2 दालचीनी का पट्टा ली हूँ, ये 3 लौंग ली हूँ, 3 इलायची, और थोड़ा सा खोपरा लिया। हम इसे इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे सब। ये मसाले मैं पूरे गोश्त में डाल दूंगी। और ये नींबू का रस डाल देंगे हम, और ये दही ऐड कर देंगे। ये घी भी डाल देंगे फ्रेंड्स। ये फ्राइड ऑनियंस डाल देंगे। और इसे ग्राइंड कर डालूंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें कोथमीर थोड़ी, पुदीना, और ये हरी मिर्च 3 से 4 ली है मैंने, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमने पीसा है तो ये भी ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रेंड 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आपके पास टाइम रहा तो इसे रात में ही मैरिनेशन करके फ्रिज में स्टोर कर दीजिए ओवरनाइट के लिए, फिर उसके बाद बनाइएगा, वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में निकाल दिया है। हम इसे अब 2 घंटे के लिए ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे दम देंगे। आप चाहे तो इसे लगन में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पास ऐसी कढ़ाई नहीं है तो लगन में भी बनाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैरिनेशन पे रख के 2 आवर्स हो गए, अब हम इसे स्टोव पर रख देते हैं। मैंने स्टोव को स्टार्ट कर दिया, ये हाई फ्लेम पर है ना। हम ऐसे तवा है तो आपके पास ये तवा रखे, इस पर हम कढ़ाई रखेंगे। मैंने ये कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स, यहाँ होल था तो मैंने ये आटा लगा दिया है इस पर। फाइव मिनट्स हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पकना स्टार्ट हो गया है। हम इसे ऐसे ही ढककर 1/2 hour के लिए छोड़ देते हैं इसे लो फ्लेम पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 1/2 hour के लिए छोड़ दिया था। अभी इसमें थोड़ा दम होना और 10 मिनट्स के लिए हम फिर इसे ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पानी इसमें का सूख गया है। अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए इस फ्लेम ऑफ करके रख देंगे, ढक्कन ऐसे ही ढापेंगे रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दम का मटन बनकर रेडी हो गया है।
ये बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे खाने के साथ भी खा सकते हैं और इसके साथ पराठे के साथ भी ले सकते हैं। ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दम का चिकन भी सेम ऐसे ही बनता है फ्रेंड्स, सेम इंग्रेडिएंट्स यही डलते हैं दम के चिकन में। अगर आप चिकन का बनाना चाहते हैं तो चिकन का भी बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।